इमरान खान साहब, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आखिर कब मिलेंगे? ये है नोमान, जो कि दुनिया में इमरान खान के सबसे मुनफरिद दीवाने हैं। इन्होंने बगैर किसी से सीखे 240 घंटे काम करके इमरान खान का पेंसिल स्केच बना डाला। न सिर्फ इमरान खान का पेंसिल स्केच बनाया, बल्कि अब ये इमरान खान की तस्वीर से बातें भी करते हैं। इमरान खान साहब, मैं आपका बहुत बड़ा दीवाना हूँ, आप पाकिस्तान के बेस्ट लीडर हैं, कब आपसे मुलाकात होगी? इमरान खान का पेंसिल स्केच बनाने के साथ साथ इन्होंने अर्तुगुल गाजी, हलीमा सुल्तान, सलमान खान, आमिर खान, शाहिद अफरीदी और न जाने कितने ही सितारों के पेंसिल स्केच बना डाले, लेकिन ये मौसूफ मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ चक। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के पूरी दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों मद्दा मौजूद हैं, लेकिन इमरान खान के जिस दीवाने के पास आज मैं मौजूद हूं, ऐसा कोई और दीवाना इमरान खान साहब का हो ही नहीं सकता। ये मौसूफ इमरान खान साहब से एक दफा मुलाकात करना चाहते हैं और उस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब को कोई तोहफा देना चाहते हैं। इसी गर्ज से इन्होंने ना किसी से सीखा, ना किसी से पूछा, लाखों दफा कोशिश करने के बाद आखिर कामयाब हुए और इमरान खान साहब का पेंसिल स्केच बना डाला। इतना खूबसूरत इमरान खान साहब का पेंसिल स्केच बनाने के बाद इनकी दिल की यह ख्वाहिश है कि एक दफा जिंदगी में इमरान खान साहब से मिल सकें और अपने हाथ से उन्हें उन्हीं का स्केच तोहफातन दे सकें। ये उस मसीहा के इंतजार में है कि कोई आएगा जो इन्हें इमरान खान साहब से मिलवाएगा। ख्वातीनों हजरात, जब इन्होंने इमरान खान साहब का ये खूबसूरत स्केच बनाया तो उसके बाद लोगों ने इन्हें बहुत मोटिवेट किया, बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत सराहा और उसके फौरन बाद इन्होंने आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमताज़ कादरी का स्केच बना डाला। उसके बाद इन्होंने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्केच बना डाला। उसके बाद खाना काबा का स्केच बनाया। उसके बाद इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा के रोज़ा का भी इन्होंने स्केच बनाया। उसके बाद पूरी दुनिया में मकबूल होने वाला ड्रामा अर्तुगुल गाजी का मरकजी किरदार अर्तुगुल और हलीमा सुल्तान का स्केच भी इन्होंने बना डाला। उसके बाद इन्हें हाल ही में इसी हफ्ते पता चला कि दुनियाए फुटबॉल के सबसे बड़े फुटबॉलर, बहुत नामी ग्रामी क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, तो इन्होंने इसी हफ्ते क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी स्केच बना डाला। उसके अलावा इन्होंने लातादाद स्केच बना डाले हैं। आखिर ये इंसान इमरान खान से इतनी मोहब्बत क्यों करता है, आइए जानते हैं। जी तो ये बताइएगा कि आप इमरान खान साहब को आखिर इतना पसंद क्यों करते हैं? सर, मैं इनफैक्ट उनकी पर्सनैलिटी से मुतासर हूँ। लाइक जिस तरह की वो ड्रेसिंग करते हैं, जिस तरह की वो पेशावरी चप्पल पहनते हैं, जो उनका स्टाइल है, जो जो चीज़ वो वियर करते हैं जिस तरह, तो लाइक मैं हर चीज़ उनकी कॉपी करता हूँ। ठीक है, सो इस वजह से मतलब क्रिकेट भी खेलते हैं? सर बिल्कुल, मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ और मैं अपने सिटी के मशहूर क्लब में खेलता हूँ, बॉलर भी हूँ, बैट्समैन भी हूँ। उसके अलावा प्रोफेशनली क्या करते हैं? सर अगर प्रोफेशनली देखा जाए, मैं मैथ का टीचर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह जी। तो मैं मकामी कॉलेज है वहाँ पे मैं एज अ मैथ लेक्चरर, वहाँ पे मैं इंटर से ग्रेजुएशन तक मैं मैथ टीच करता हूँ। और जो ये स्केचिंग है ये मैंने बिल्कुल नहीं सीखी, अल्हम्दुलिल्लाह खुदादाद सलाहियत है और इसी की बेस पे मैं ये वर्क करता हूँ। सो इसको मैं एज अ पार्ट टाइम जॉब करता हूँ और जो टीचिंग है वो मेरा प्रोफेशन। इसके अलावा किसी और पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई हो, आपने किसी से रिक्वेस्ट की हो इमरान खान साहब से मिलने के लिए? जी सर बिल्कुल, जो हमारे मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी साहब, जो जब मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में थे, तो वहाँ पे मेरा उनसे मीटअप हुआ था। वहाँ पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी प्रेजेंट किया था उनका पोर्ट्रेट, उनको भी काफ़ी अच्छा लगा था। और वहाँ पे मैंने ये बात भी की थी कि मैं पीएम साहब को ये देना चाहता हूँ जो मेरा ड्रीम है, सपना है। तो लाइक मैं बड़ा करीब पहुँचते पहुँचते रह गया था, मेरा ये ड्रीम अभी तक पूरा नहीं हुआ। अब इंशाल्लाह कोई ना कोई मसीहा ऐसा आ जाएगा जो आपको वहाँ तक ले जाएगा। आप ये बताइए, उसके अलावा आपने और कौन कौन सी फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं या लोग हैं जिनकी आपने ये पोर्ट्रेट्स बनाए हैं? सर डिफरेंट कैटेगरीज़ में मैंने बनाए हैं। अगर हम पॉलिटिकल में देखें तो पीएम साहब, और इसके अलावा जो हमारे दुबई के शेख हैं, शेख साहब, उनका मैंने पोर्ट्रेट बनाया है। अगर हम स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो शायद अफरीदी, बूम अफरीदी जो हैं, बड़े फेमस हैं हमारे क्रिकेटर, मैंने उनका बनाया है। और इसके अलावा पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है सना मीर, मैंने उनका बनाया है। इसके अलावा फ़ुटबॉल में, पाकिस्तान वुमेन फ़ुटबॉल में एक प्लेयर थी शलीला बलोच, जिनकी डेथ हो गई है, तो मैंने उनका भी पोर्ट्रेट बनाया था उनको लाइक ट्रिब्यूट देने के लिए। दुनियाए फुटबॉल के बड़े मशहूर, जिनका आपने जिक्र भी किया, फुटबॉलर रोनाल्डो, तो मैंने उनका पोर्ट्रेट बनाया। कोई बॉलीवुड में से? सर बॉलीवुड में से आमिर खान,
इनका मैंने पोर्ट्रेट बनाया है। इनकी एक मूवी बड़ी फेमस थी गजनी, तो उससे मैंने इंस्पायर होकर मैंने उसका बना दिया। सर आर्टिस्ट यही कर सकता है। सलमान खान का भी मुझे नज़र आ रहा है। जी सर, सलमान खान का भी बनाया है, ये भी इनकी एक बड़ी फेमस मूवी थी, तो उससे मैंने इंस्पायर होकर बनाया है। सर आर्टिस्ट यही कर सकता है, वो जिस चीज़ से इंस्पायर होता है वो उसको कैनवस पे उतार देता है, वो अपनी फीलिंग्स का इस तरह इजहार कर देता है। चले अब कोई आखिरी पैगाम दे दें इमरान खान साहब, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें क्या कहना चाहिए? इमरान खान साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आपने अपना इतना बड़ा फ़ैन नहीं देखा होगा, और ये वर्क मैंने सीखा कोई नहीं है, लेकिन स्टिल आप देख सकते हैं मैंने इस पर कितनी मोहब्बत कितनी लगन के साथ मैंने बनाया है। सो अगर मुझे कोई मौका मिल जाए मैं आपको ये रिप्रेजेंट करूं, तो लाइक ये मेरा ड्रीम ट्रू हो जाएगा और ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल होगा। जी हाँ जनाब, इमरान खान साहब से सिर्फ एक दफा मिलना चाहते हैं, ड्रीम कम ट्रू होते हुए देखना चाहते हैं, तो किसी ऐसे मसीहा के इंतजार में है जो इमरान खान साहब से मिला दें। बहरहाल अगर आप जनाब देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इस नीयत से शेयर कर दें कि ये वीडियो इमरान खान साहब तक पहुंच जाए और वो हमारे इस नौजवान को बुला लें और उनका ये स्केच मौसूल करें।